विधानसभा भारत जोड़ो यात्रा जयवर्धन सिंह बाबा साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा हरी झंडी देकर प्रारंभ की। यो हरी सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में अन्य पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री यो राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह बाबा साहब के जवरा नगर आगमन पर कांग्रेस नेता हरी सिंह कुशवाहा यो भानु प्रताप सिंह सिकरवार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य किया स्वागत। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज हरी झंडी दिखाकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। कांग्रेस नेता जिला सदस्य हरी सिंह कुशवाहा पहाड़गढ़ यो भानु प्रताप सिंह सिकरवार। ब्लैक कांग्रेस अध्यक्ष जौरा का कहना है कि 15 दिन की पदयात्रा होगी। आज से लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। यह यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा बताया गया कि राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू की। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, पंकज उपाध्याय, शोभरन सिंह गुर्जर, अमर सिंह धाकर, जिला पंचायत सदस्य महेश दत्त मिश्रा, रमेश कुशवाहा, अविनाश गोस्वामी, लाल सिंह कुशवाहा यो सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जोरा विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है पदयात्रा, और हमारे चिंटू सिकरवार जी, हमने निर्णय लिया है कि हम 15 दिवसीय यात्रा तय की है जोरा विधानसभा की, और आगे समय भी बढ़ सकता है। ये जैसी जहां हमें लग रहा है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ सकता है इसके। जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी के संबंध में जोरा विधानसभा में आज आदरणीय जयवर्धन सिंह जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने हरी झंडी दिखाकर हमको जोरा विधानसभा में आदरणीय हरी सिंह कुशवाहा जी और हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।